अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। जी जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव और मैं हूँ फराज अली। तो जी जनाब, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में CPL T20 2023 के 14वें मैच की, तो उसकी जो है मुकम्मल अपडेट देंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपने एक काम कर लेना है, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो जनाब, आगाज़ कर लेते हैं और बात कर लेते हैं CPL 2023 के 14वें मैच की, जो कि खेला गया जमैका टेलावाज और बारबेडो रॉयल्स के दरमियान ये मैच खेला गया। तो टॉस की बात कर लेते हैं, तो टॉस जीता बारबेडो रॉयल्स के कप्तान ने और उन्होंने जमैका टेलावाज को बैटिंग की दावत दी। तो जमैका टेलावाज की टीम ने मुकर्रा 20 ओवरों में 160 रन बनाए और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। और अब बात कर लेते हैं जमैका टेलावाज के बैट्समैनों की। तो जमैका टेलावाज की जानिब से शर्मार ब्रुक्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 78 रन बनाए, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इमाद वसीम ने 33 रन बनाए, 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और रेमन राइफल ने 16 रन बनाए, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो ये थी जनाब जमैका टेलावाज के बैट्समैनों की अपडेट। और अब बात कर लेते हैं बारबेडो रॉयल्स के बॉलर्स की। तो जनाब, बारबेडो रॉयल्स की जानिब से जेसन होल्डर ने 4 ओवरों में 19 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कैस अहमद ने 4 ओवरों में 42 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और कायल मेयर्स ने 3 ओवरों में 8 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो ये थी जनाब बारबेडो रॉयल्स के बॉलर्स की अपडेट। जवाब में 161 रन का टारगेट बारबेडो रॉयल्स की टीम ने चेस कर लिया। उन्होंने बनाए 19 ओवरों में 161 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। और बारबेडो रॉयल्स ने ये मैच जो है वो 6 विकेटों से जीत लिया है। और अब बात कर लेते हैं बारबेडो रॉयल्स के बैट्समैनों की। जी तो बारबेडो रॉयल्स की जानिब से एलेक एपनेस ने 76 रन बनाए, 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लॉरी एवेंस ने 30 रन बनाए, 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और राकीम कोलवाल ने 17 रन बनाए, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो ये थी जनाब बारबेडो रॉयल्स के बैट्समैनों की अपडेट। और अब बात कर लेते हैं जमैका टेलावाज के बॉलर्स की। तो जनाब, जमैका टेलावाज की जानिब से क्रिस ग्रीन ने 4 ओवरों में 21 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इमाद वसीम ने 3 ओवरों में 36 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। और सलमान अरशाद ने 4 ओवरों में 37 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो ये थी जमैका टेलावाज के बॉलर्स की अपडेट। जवाब में जनाब मैच जो है वो जीत लिया है बारबेडो रॉयल्स ने 6 विकेटों से। और अब बात कर लेते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। जी तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है जनाब राजस्थान के बैट्समैन एलेक एपनेस को। उन्होंने 76 रन से स्कोर किए, 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो जनाब प्लेयर ऑफ द मैच एलेक एपनेस। तो जनाब ये थी हमारी आज की जो है वो CPL 2023 के 14वें मैच की मुकम्मल अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।